This is me, Mohammed Suleiman, and today our topic is Muslim Scientist. Chapter number one of Biology, Introduction to Biology, and now we are discussing about Muslim Scientist, that what are the roles of Muslim Scientist in the field of biology. And अगर हम बात करें तो हमारे पास जाबिर बिन हयान जो है वो एक बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे जिन्होंने केमिस्ट्री पर जो है वर्क किया. ही वर्क अलॉट इन केमिस्ट्री. इन्होंने केमिस्ट्री पर जो है बहुत जो है वर्क किया. लेकिन अगर जाबिर बिन हयान की जो है कंट्रीब्यूशंस अगर हम बायोलॉजी में देखें तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी देखें तो हमारे पास जाबिर बिन हयान जो है वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंट्रोडक्शन में इनको लिखा जाए तो ये जो है ईरान में पैदा हुए. ही वॉज बोर्न इन ईरान. अच्छा, अगर उसके बाद अगर लिखें तो इन्होंने केमिस्ट्री पर जो है वो बहुत सारी जो है बुक्स लिखे. जो पहला पहला बुक था केमिस्ट्री का वो भी जो है जाबिर बिन हयान ने लिखा था. तो ही वॉज बोर्न इन ईरान एंड ही वर्कड अलॉट इन केमिस्ट्री. इन्होंने केमिस्ट्री पर जो है बहुत वर्क किया था. लेकिन जो फर्स्ट जो हमारे पास किताब बुक था ही वर्कड अलॉट केमिस्ट्री. जो हमारे पास केमिस्ट्री की पहली बुक थी वो भी जाबिर बिन हयान ने लिखी थी. ही वॉज बोर्न इन ईरान. ही वर्कड अलॉट इन केमिस्ट्री. और उसके बाद हम लिखेंगे कि ही आल्सो रोट द नंबर ऑफ बुक्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन्होंने जो है वो बुक्स लिखे प्लांट्स और एनिमल्स पर जिसके तहत इनकी कंट्रीब्यूशंस को पढ़ा जाता है बायोलॉजी में. कि ही रोट द नंबर ऑफ बुक्स. ही रोट द नंबर ऑफ बुक्स. The number of books on plants and animals. On plants and animals. Plants and animals पर इन्होंने क्या किए कि number of बहुत सारे books लिखे. लेकिन जो बहुत ही जो इनका जो famous books हैं plants और animal पर वो हमारे पास आते हैं अल नबातात और अल हैवान. अल नबातात, अल नबातियात एंड अल हैवान जो के इनकी फेमस बुक्स हैं. अल नबातात जो कि उन्होंने प्लांट्स पर लिखी थी और अल हैवान जो के उन्हें जो उन्होंने एनिमल्स पर लिखी थी. अच्छा, ये हमारे पास एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो है हमने लिख दिया जाबिर बिन हयान का अकॉर्डिंग टू जो है बायोलॉजी. अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का तो फर्स्ट बुक ही इन्होंने लिखा था. उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह जो है वो जाबिर बिन हयान के पेटेंट्स हैं. अच्छा, और अगर बात करें तो हमारे पास अब्दुल मलिक असमई आते हैं. अब्दुल मलिक बिन असमई मुस्लिम साइंटिस्ट में. अच्छा, अब्दुल मलिक बिन असमई हमारे पास हैं मुस्लिम जूलॉजिस्ट, या हम लिखें इसको ही वॉज द ग्रेट मुस्लिम जूलॉजिस्ट. ही वॉज द ग्रेट मुस्लिम जूलॉजिस्ट. तो इन्होंने क्या किया कि एनिमल्स पर नंबर ऑफ बुक्स लिखे. क्योंकि जूलॉजिस्ट, जूलॉजी जो है उसमें एनिमल्स को पढ़ा जाता है. तो ये एक जूलॉजिस्ट थे. उन्होंने जो है वो एनिमल्स पर बुक्स लिखे. इन्होंने एक बुक लिखा हमारे पास अल इबल. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने लिखा अलखील, हॉर्स पर. अल इबिल लिखा कैमल पर. और अल शत लिखा शीप पर. अल वहूश लिखा वाइल्ड एनिमल्स पर. और उसके बाद इन्होंने अल खल्कुल इंसान भी लिखा ह्यूमंस पर. ह्यूमंस एंड एनिमल बोथ. ठीक है, इनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है ह्यूमंस एनिमल को. तो इन्होंने जो है
काफ़ी बुक्स लिखे, जिनमें से फेमस बुक अलखील हमारे पास आता है जो कि उन्होंने हॉर्स पर लिखा था, अल इबल हमारे पास आता है जो कि उन्होंने कैमल पर लिखा था, अल शत हमारे पास आता है जो कि उन्होंने शीप पर लिखा था, अल वहूश हमारे पास इनका बुक आता है जो कि उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स पर लिखा था, अल खल्कुल इंसान जो कि उन्होंने ह्यूमंस एंड एनिमल्स पर लिखा था। अच्छा, अगर हम जो है आगे चलें तो हमारे पास बू अली सीना भी, ही वॉज द ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट और ही वॉज द ग्रेट मुस्लिम बायोलॉजिस्ट। तो इनको जो है हमारे पास फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मेडिसन। इनको हमारे पास फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि भाई ही वॉज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाए जाबिर बिन हयान, मलिक बिन अस्मही, जो है उसके बाद बू अली सीना, तो आप क्या करेंगे, बू अली सीना पर टिक करेंगे। तो ही वॉज ऑल्सो नोन एज फाउंडर ऑफ मेडिसिन एंड उसके बाद इन्होंने काफ़ी जो है डिजीज़ को आइडेंटिफाई भी किया था। ही आइडेंटिफाई मैनी डिजीज़ लाइक ट्यूबरकलोसिस जो हमारे पास है, टीबी जिसे हम कहते हैं ट्यूबरकलोसिस, तो वो भी जो है इन्होंने आइडेंटिफाई की थी बू अली सीना ने। अच्छा, बू अली सीना के हमारे पास काफ़ी बुक्स आते हैं, तो उनमें दो बुक आते हैं। एक होता है बुक ऑफ कैनन और दूसरा हमारे पास बुक आता है बुक ऑफ हीलिंग, जिसे बुक में जो है हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है अल कानून एंड फी अल तिब शिफा। तो ये हमारे पास बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है कि अल कानून एंड फी अल तिब शिफा, लेकिन इनको इंग्लिश में हम कहते हैं बुक ऑफ कैनन एंड बुक ऑफ हीलिंग, जो कि इनके दो बड़े बुक्स हमारे पास लिखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, बू अली सीना को हमारे पास वेस्ट में जो है, जो हमारे पास वेस्ट है, तो उसमें इसको क्या कहा जाता था, अवी सीना बुलाया जाता था। बू अली सीना वॉज नोन एज अवी सीना इन द वेस्ट। तो ये हमारे पास कुछ कंट्रीब्यूशंस थी मुस्लिम साइंटिस्ट की, जो कि आपको पता होना लाजमी है, जाबिर बिन हयान की, अब्दुल मलिक बिन अस्मही की और बू अली सीना की। और उसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे मुस्लिम साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने जो है एक्चुअली इसमें जो है वर्क किया। तो हमारे पास उसमें एक जूलॉजिस्ट का नाम है अबू उस्मान उमर अल जहीज, जिन्होंने स्लाथर एनिमल को लिया और फिर उसको जो है उसके एम्ब्रियो पर स्टडी की और जो है उसके इंटरनल पार्ट्स पर स्टडी की। तो बहरहाल और भी बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, लेकिन जो हमारे पास तीन मेजर थे, जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक बिन अस्मही, बू अली सीना, इनके कॉन्ट्रीब्यूशनस आपको याद होने चाहिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मीट यू नेक्स्ट लेक्चर, खुदा हाफिज़।